लोगों के गुस्से की वजह से राजधानी दिल्ली अब बदनाम होती जा रही है। यहाँ लोगों को जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, जो कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर उस वक्त देखने को मिला, जब बाइक का हॉर्न बजाने पर एक युवक को चाकू घोप कर घायल कर दिया गया। आनन फानन में घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी। दरअसल मयूर विहार थाना इलाके के त्रिलोकपुरी में बाइक का हॉर्न बजाने पर कुछ लोगों ने एक युवक पर चाकू से वार कर दिया। युवक के पिता सुरेंद्र के मुताबिक उनका बेटा जिम करके वापस घर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवक खड़े थे जिन्हें देख पीड़ित ने हॉर्न बजाया, लेकिन शायद युवकों को हॉर्न बजाना नागवार गुजरा और उन्होंने उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद युवक ने घर जाकर अपने पिता को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद जब युवक के पिता उसे लेकर आरोपियों के पास उन्हें समझाने गए तो उन्होंने युवक पर चाकू से वार कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल युवक को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरा बच्चा जिम करके आया था और वो आने के बाद वहाँ पर जो घर का कुछ सामान लेने के नहीं आया, फिर वो मेरी दुकान पे ही आ रहा था तो उसने हॉर्न बजाया और उन्होंने रोक करके उस लड़के को मेरे बेटे को खूब मारा। वो फिर मेरे पास दुकान पे आया, मैं फिर समझाने के लिए उनके घर पे गया और इतने पीछे से आगे उसको चाकू मार दिया। अच्छा, ये कहाँ का मामला है? ये त्रिलोकपुरी 22 ब्लॉक का। अच्छा, कौन सा थाना आपके? थाना मयूर विहार। आपको बता दें कि राजधानी में लोग जरा सी बात को लेकर एक दूसरे की जान लेने पर अमादा हो जाते हैं, जिससे क्राइम के ग्राफ में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को और भी सख्त होने की आवश्यकता है।